वेलकम ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स इन दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं नेम्स स्कॉलरशिप पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से जब से मैंने जो एडमिशन लेटर वाला जो वीडियो है वो डाला है, उसके बाद में ये स्कॉलरशिप के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसी को आज मैं क्लियर करूँगा। और फ्रेंड्स, जो ये मैं बताऊँगा ये आपको नेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने। इसमें कोई मतलब मैंने कोई रिसर्च नहीं की, बस जस्ट आपसे जो नेम्स की वेबसाइट पर जो दिया हुआ है और कुछ ऑफिशियल से बात करने पे और जो कुछ मुझे स्कॉलरशिप मिला है उन सभी को मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें क्या है कि आपको स्कॉलरशिप के टाइप बताऊंगा मैं। अप्रोक्सीमेटली 6-7 टाइप होंगे इसके। स्कॉलरशिप कैसे पा सकते हैं आप 20% मैं आपको A to Z बताऊंगा कि आप 10% कैसे एक्वायर कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए क्या है, अदर स्टेट से हैं तो उनके लिए क्या है, डिसेबल है तो उनके लिए क्या है, अगर कोई उनके पेरेंट्स डिफेंस में है तो क्या है, स्पोर्ट्स में है तो कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, A to Z बात करेंगे। टारगेट लेवल अपनी पहली स्कॉलरशिप से जिसका नाम होगा 20% स्कॉलरशिप फॉर अर्ली बर्न। आपको बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जल्दी कंप्लीट करने के लिए अर्ली बर्ड नाम से कैंपेन चला रहा है, जिसके अंदर आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगी जस्ट एडमिशन लेते ही। फिर सेकंड करेंगे अपन 50% स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स। फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर वो स्टेट से कुछ बैकवर्ड चल रहा है, इसलिए वहाँ के बच्चों को सीधा स्कॉलरशिप दिया गया। 50% स्कॉलरशिप फॉर नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है अपनी बिहार के बच्चों के लिए 50% स्कॉलरशिप फॉर बिहार स्टेट कैंडिडेट्स। मतलब जो बिहार से हैं उनसे उनका मतलब परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, आपके जितना भी परसेंट हो आपको ट्यूशन फीस के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर आता है नेक्स्ट झारखंड स्टेट कैंडिडेट, उसके बाद में आता है 50% स्कॉलरशिप फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट कैंडिडेट। अब इसके बाद में जो नीट से रिलेटेड है, जैसे कि 50% स्कॉलरशिप फॉर नेम्स एम्प्लॉय फर्स्ट ब्लड रिलेशन, मतलब जिनके पेरेंट्स नेम्स के अंदर टीचर है या कोई एम्प्लॉय है तो उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। और अब जिनके सिंगल पेरेंट है, मतलब जिनके या तो केवल फादर है या केवल मदर है, तो उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा सीधा। सिंगल पेरेंट पे 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर आगे आता है कि अगर आप एक स्टेट लेवल गेमर है, आपने मतलब स्टेट के अंदर खेला है, तो आपको कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी ट्यूशन फीस के अंदर। फिर आपको स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल लेवल गेम अगर आपने कहीं पे खेला है तो उसके बाद में आपको 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप। और जिनके पेरेंट्स डिफेंस आर्मी मतलब जो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम है उसमें है, उन बच्चों को 20% स्कॉलरशिप देगा निम्स यूनिवर्सिटी। और फिर एक नेक्स्ट जो बच गया 50% स्कॉलरशिप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स, मतलब जिन जो बच्चे 40% डिसेबल है, डिसेबल मतलब जिनकी कोई शारीरिक कमी है उनको 40 और डिसेबिलिटीज भी उनकी 40% से ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद में उनको 50% स्कॉलरशिप ऑफर करता है नीमच यूनिवर्सिटी। इसके बाद में बात करते हैं कि अपन परसेंटेज बेस पे कितने स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 2022 और 2023 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है परसेंटेज बेस पे, कोई भी स्टेट के लिए कहीं से भी हो तो कैसे मिलेगी उसको स्कॉलरशिप, अगर आपके 65% टू 69.9% है, मतलब 70 से नीचे अगर आपके परसेंट है 70 से नीचे, तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपके परसेंट 70 से लेके 79.9% तक है, मतलब लेस देन 80% है, तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि आपके 12th में मार्क्स हैं उनके ऊपर, 12th के मार्कशीट चलेगा यहाँ पे। और ये केवल फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस के अंदर है, ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो सेकेंड ईयर के अंदर भी रहेगा, थर्ड ईयर के अंदर रहेगा, नहीं, ये बस जस्ट आपके फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस के अंदर हो। अगर आपके 80 to 89% है तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 50% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप। और अगर आपके 90 और 90 अबव है
तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस के अंदर। अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन बच्चे ट्यूशन फीस के लिए एलिजिबल है, ये मैंने आपको कम्प्लीट बता दिया। और ये केवल फर्स्ट ईयर के अंदर लेस होगी फ्रेंड्स, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे निम्स यूनिवर्सिटी ने मतलब डिफेंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 20% दे रखा है, सिंगल पेरेंट है उनके लिए 50% दे रखा है, अर्ली बर्ड वाला जो स्कीम है उसके अंदर 20% स्कॉलरशिप है। वैसे हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। अब अपन बात करते हैं कि स्कॉलरशिप विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन, मतलब स्कॉलरशिप है वो कौन से डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगी निम्स के अंदर। तो पहला इसके अंदर आता है पैरामेडिकल डिप्लोमा, मतलब जैसे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी रेडिएशन, तो इनके अंदर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सेकंड आता है नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करता यूनिवर्सिटी। फार्मेसी के अंदर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होता, आर्किटेक्चर के अंदर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होता। पीएचडी प्रोग्राम मतलब निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करती है उनके अंदर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स ये थी आज के लिए पूरी वीडियो, और फ्रेंड्स ये जो निम्स की स्कॉलरशिप पॉलिसी है ये खतरनाक होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सिंगल पेरेंट को भी ध्यान में रखा गया है। अगर आप निम्स के एम्प्लॉय को भी रखा गया है, आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट है तो भी आपके लिए इसमें स्पेस है, नेशनल लेवल गेम प्लेयर है तो है, स्टेट लेवल के अंदर भी है। फ्रेंड्स ये था आज का अपना वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल फ्रेंड्स।